वेलकम टू SB क्लासेस। व्यापम ने एक और वैकेंसी जारी की है, चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स, कौन से व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ग्रेजुएशन वाले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैकेंसी के बारे में आपको मैं क्रमशः बताता हूँ। सबसे पहले इसकी हेडिंग है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा हेतु 2018। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य। पहली कंडीशन यह है कि केवल MP के जो डोमिसाइल हैं वही इसको भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 26 मार्च 2018 है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 9 अप्रैल 2018 है। संशोधन आप कर सकते हैं 26/3 से 14 अप्रैल 2018 तक। परीक्षा का दिनांक जो है वो पाँच मई 2018 और 6 मई 2018 शनिवार और रविवार को एग्ज़ाम होगा। इसका ये जो पेपर का नाम है ये है विपणन संघ मर्यादित भोपाल, मतलब इसका एक जो एग्ज़ाम होना है, तो आप ये एग्ज़ाम की डेट तो देख ही चुके हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण कंडीशन वो ये हैं कि आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, आपका आधार पंजीयन होना अनिवार्य है वो, और जो डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसा कि आप व्यापम के हर नोटिफिकेशन में ये पॉइंट्स देखते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी वैकेंसी के बारे में क्या है, कि वैकेंसी कौन से ग्रेजुएशन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे चलकर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य के लिए क्या है, और ये तो सब फालतू की इन्फॉर्मेशन है। तो पदों का विवरण और इनका क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो पोस्ट कोड नम सीधी बनगा उपप्रबंधक, उपप्रबंधक का जो कुल 20 पद आए हैं, इसके लिए आपको कला विज्ञान कृषि वाणिज्य संज्ञान में न्यूनतम 55% प्राप्तांक से स्नातक उत्तीर्ण, मतलब आप अगर जैसे आर्ट से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं, 55% आपके मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए वो ग्रेजुएशन में, अगर MBA किया है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें लेकिन अनुभव भी लगेगा आपको, कार्य अनुभव का देना पड़ेगा आपको, इसके मार्क्स दिए जाएंगे आपको। दूसरा ये NCC सर्टिफिकेट है, NSS सर्टिफिकेट है, राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट है, तो आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे और अंक बताए गए हैं कि आपको कितने अंक इसके दिए जाएंगे। पोस्ट कोड 2 है जो लेखा अधिकारी के पोस्ट है, उसमें कुल 8 पद हैं। इसके लिए आपको कॉमर्स स्नातक मतलब BCOM ग्रेजुएशन चाहिए अधिकतम, यानी मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके साथ ही अगली पोस्ट अपन देखते हैं, ये NCC वाला हर उसमें एप्लीकेबल होगा। तीसरी पोस्ट है सहायक प्रबंधक की, जिसमें भी आपको वाणिज्य कृषि अभियांत्रिकी विधि संख्या में 50% अंकों के पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर निपुणता संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब आप देख सकते हैं। और आप मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसको रूल बुक को, तो और आप इस अगर आपको लगे कि इसको मैं अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं सीधी भर्ती जो है लेखा सहायक लेखा अधिकारी, इसमें आपको कंप्यूटर संबंधी जो है वो सब में ज़रूरी मांगा है, और इसके अलावा सब में अलग अलग पोस्ट दी गई होंगी, तो ये CPCT वालों के लिए भी है और जो जो क्वालिफिकेशन कंप्यूटर के बारे में जो होते हैं व्यापम में वो हैं। तो इसमें 25 पोस्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 25 पोस्ट UR कैटेगरी के लिए हैं, SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 9 हैं, OBC के लिए 5 हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं क्षेत्र सहायक, क्षेत्र सहायक में कुल 68 पद हैं, इसमें भी UR कैटेगरी में 23 पद हैं, SC में 8 हैं, ST में 10 हैं, और इसमें देखिए ये PGDCA और DCA परीक्षा उत्तीर्ण अगर आपने की है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको सेकंड डिवीज़न ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा पोस्ट कोड 5 में अगर आपने PGDCA या DCA भी किया है तो भी चलेगा, और साथ में आपने अगर सेकंड क्लास में यानी सेकंड ग्रेड में अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो भी चलेगा। BSc साइंस, BSc कृषि, BCA, BTEC और BA, BCOM, BA 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अलावा जो आगे की पोस्ट है वो है संविदा भर्ती, ये संविदा आपके लिए नहीं है, संविदा की छोड़िए पोस्ट, संविदा उनके लिए होती है जो रिटायरमेंट होते हैं या पूर्व एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए होती है। तो बस इतनी ही वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसकी लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से रूल बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इसके क्राइटेरिया में कवर अप होते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने मार्क्स का होगा,
चलिए देखिए कि पेपर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे पोस्ट कोड 1, 3 और 5 एवं 6 के लिए आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 200 मार्क्स का होगा टोटल, और 25 नंबर का विभाग होगा। तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य और फिर जैसे सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये आपका 100 नंबर का होगा। और विभागीय स्तर पर जो आपका इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का होगा। तो 100 नंबर का पेपर होगा और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और जो पोस्ट कोड 2 एवं 4 है उसके लिए आपका प्रश्न पत्र होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, संबंधित विषय से आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ग्रुप को पोस्ट कोड 02 और 04 के लिए होगा। और इसमें भी आपका 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड करके व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।